Good morning students so we are going to begin our english language class and we will study chapter number 17 that is the simple past tense so let's read these sentences we stayed in mumbai for five years hum mumbai mein five years ke father made idlis for breakfast father made idlis breakfast ke तान्या प्लेड एंड एल्फ इन द एनुलंक्शन तान्या ने एक एल्फ चराया एनुअल फंक्शन में सडनली द डोरबल रैंक अचानक से डोरबल वजी तो इसमें ये सब जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं दैट इज अटेड प्लेड मेड एंड रैंग दिज आर पास्ट टेंसेस ये हमें बता रहे हैं पास्ट के बारे में सी वर्ड इजन

और बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग आर सेट टू बी इन द सिंपल पास टेंस तो जो वर्ब्स जो कि पास्ट में हुए हो मतलब जो भी कोई काम हो जो पास्ट में हुआ हो या तो हमारे बोलने से पहले हुआ हो वो हमारा सिंपल पास टेंस कहलाता है ओके यस सो हाउ वी हैव टू राइट द सिंपल पास टेंस कैसे लिखते हैं हम लोग सिंपल पास टेंस सो वी विल राइट सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन पास फॉर्म वर्ब को पास फॉर्म में लिखते हैं प्लस डेट ऑब्जेक्ट ठीक है सो so, इसमें हम वर्ब को पास फॉर्म में कैसे बनाएंगे लेट्स सी सम ऑफ द रूल्स दीज आर सम ऑफ द वेज इन विच वी फॉर्म द सिंपल पास टेंस कैसे बनाते हैं इस्माइल क्या क्या हो जाएगा पास टेंस इनको डी और ई डी लगा के बनाएंगे हो जाएगा स्माइल्ड तो ये स्माइल मतलब प्रजेंट मोमेंट में इस्माइल मतलब पुराने मोमेंट में स्माइल की होगी फाइन फाइंड, वॉक वॉकड देन बाई रिप्लेसिंग वाई बाई आई ई डी वाई को आई ई डी से रिप्लेस करके भी बना सकते हैं फ्राई का फ्राइड कैरी का कैरीड अप्लाई का अप्लाइड ट्राई का ट्राइड ठीक है सो आर पास मोमेंट्स फॉर जो आई ई डी और ई e डी लगा के हम लोग बना रहे हैं पास्ट के काम है ओके यस देन थर्ड इज़ बाई एडिंग टी एट द एंड ऑफ द वर्ड वर्क के लास्ट में टी लगा के इससे लर्न का लर्न का हो जाएगा आपका लर्ट ड्रीम का ड्रम स्लिप का स्लैप्ट स्मेल का स्मैल्ट ठीक है देन फोर्थ नंबर इज बाय डबलिंग द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड एंड एडिंग ई डी ट्रेवल ट्रेवल में लास्ट लेटर क्या एल एल को डबल बार लिख दिया और ई डी एड कर दिया होप होप में पी डबल बार लिख दिया ई डी एड कर दिया होप रब का रब दे लास्ट इज समर्ब्स यू नॉट फॉलो दिस रूल कुछ वर्ब्स होते हैं जो ये रूल नहीं फॉलो करते हैं ई डी और टी लगाने का सो दी देयर पास टेंस इज फॉर्म डिफरेंटली ईट का सो दीस वर्ड्स आर चेंज इन डिफरेंट वेज जैसे कि ये देखिए ईट है ईट का हम लोग जब चेंज करेंगे पास टेंस में सो इट विल बी एज दैन गो का वेंच टू का डेड बाई का बॉट टीच का थॉट ठीक है लाइक दिस वी हैव टू चेंज इन पास टेंस सो फाइव रूल्स आर देयर फाइव रूल्स हैं हमारे चेंज करने के लिए फर्स्ट इज डी ई डी लगाना सेकेंड इज आई ई डी लगाना थर्ड इज टी लगाना फोर्थ इज लास्ट में ई डी लगाना और लास्ट वाले वर्ड को डबल बार करना और फिफ्थ वन इज लिटिल बिट डिफरेंट थोड़ा सा डिफरेंट है सो लेट सी सम ऑफ दी एग्जाम्पल एंड द फॉर्मेट टू राइट दिस तो ये देखिए आई इसमें देखिए सब्जेक्ट में एक एग्जाम्पल है आई सॉल्व द सम तो आई क्या हो गया आई इज सब्जेक्ट सॉल्व इसका अगर सिंपल लेंगे तो सॉल्व हुआ अगर पास में लिया हमने तो क्या हो गया सॉल्व वर्क का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं हम लोग पास में तो इट विल बी सॉल्व देन ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें द सम देन इसमें देखिए प्लस माइनस और क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब प्लस का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस माइनस मतलब नेगेटिव एंड क्वेश्चन मार्क मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया ही प्लेड फुटबॉल तो ही हो गया सब्जेक्ट प्लेड हो गया सिंपल फास्ट फॉर्म वर्ब का और फुटबॉल हो गया आपका ऑब्जेक्ट देन नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग डिड नॉट लगाएंगे तो डिड नॉट के साथ हमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है सेकेंड फॉर्म नहीं यूज करना है देखिए जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म मतलब ई डी नहीं लगा होना है जैसे कि ही डिड नॉट प्ले फ़ुटबॉल अब देखिए यहाँ क्या था यहाँ प्लेड था बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे हम लोगों ने केवल प्ले ही लिखा है क्योंकि डेट के साथ कभी भी हमारा सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ होगा डेट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा देन इंटरोगेटिव अब इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग हम लोग पॉजिटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे ठीक है डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सबसे पहले डेट लिख दिया हमने सब्जेक्ट क्या है हमारा ही है बेस फॉर्म इज प्ले एंड देन ऑब्जेक्ट ठीक है go, went, gone, है जो होता गो ना तो गो हो गई आपकी बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट वाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड गॉन इज वर्ब का थर्ड फॉर्म ओके सो यस लेट्स सी सम्पल फर्स्ट इज ही ओल्ड मैन out of the ditch so he is subject drew is verb ka second form and this is all object she used to wash clothes so she is verb ka second sorry subject used is verb ka second form to wash clothes is object okay i'll read this he wrote an interesting story the children the child completed his homework interrogative सो so, देखिए डेड इज वर्ड डेड इज ये देखिए इसमें ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा सबसे पहले डेड लिखा हमने फिर सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज ही देन बेस फॉर्म क्या है लिव और अगर हम लोग को सेकेंड लिखना होता तो लिव्ड होता वो है ना ऑब्जेक्ट क्या हो गया इन द हाउस और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क सिक्स इज मदर वुड वॉश क्लोज देन डिड ही राइट दस राइट ए लेटर अब देख लीजिए हम लोग जो जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं उसका फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है जब डेढ़ आया है देन इट इज वी पेड ट्रिब्यूट टू आवर नेशनल पोएट हमने अपने नेशनल पोएट को ट्रिब्यूट पे किया ट्रिब्यूट दिया मींस देन शी प्लेड सॉरी द बॉयज द नेशनल एंथम बॉयज ने नेशनल एंथम गाया शी डिड नॉट स्लीप वो नहीं सोई तो ये सारा काम आपका कब हो रहा था ये सारा काम आपका पास्ट में हो रहा था ठीक है सो दिस इज दिस इज द सिंपल पास्ट है जब कोई काम हमारा पास्ट में हो रहा हो तो उसको सिंपल पास्ट। टेंस कहते हैं उसका क्या होगा स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ओके स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक